हिंदुस्तान की जमीन पर जब से राफेल ने लैंड किया, चीन पाकिस्तान की वायुसेना में दहशत भर गई है। भारत ने अभी तक राफेल से किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन दोनों में कितना डर है इसका सबूत कई बार दिख चुका है। अब चीन और पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक लोगो जारी किया है, जिसमें ड्रैगन हाथों से राफेल को तोड़ता हुआ दिखाया गया है। दोनों देशों की वायुसेना के ज्वाइंट एक्सरसाइज के दौरान तैयार किए गए इस लोगो से फिर साबित हो गया कि हमारे दुश्मन राफेल से किस कदर थर्राते हैं। दुनिया का घातक फाइटर जेट, फ्रांस की शान को आसमान में पहुंचाने वाला संहारक राफेल अब बन चुका है भारत का सबसे बड़ा रक्षक। राफेल विमानों ने जब भारत की जमीन से उड़ान भरी, उसकी गर्जना इस्लामाबाद से बीजिंग तक महसूस की गई। इस लड़ाकू विमान से दुश्मनों में कितनी दहशत है इसका सबूत आपके सामने। जरा देखिए चीन और पाकिस्तान को अपनी वायुसेना की हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 11 से 25 दिसंबर तक शाहीन नाम से एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई। पाकिस्तान के वायु सैनिकों ने अपने सबसे बड़े मददगार चीन के साथ युद्धाभ्यास किया। इसी दौरान दोनों देशों की तरफ से एक लोगो जारी किया गया। दिखने में ये बच्चों की फिल्म का पोस्टर नजर आता है। पूरी कहानी जानकर आपको चीन और पाकिस्तान पर हंसी आएगी। इस लोगो में एक ड्रैगन अपने दोनों हाथों से एक फाइटर प्लेन को दो टुकड़ों में तोड़ता नजर आ रहा है। फाइटर प्लेन राफेल जैसा बनाया गया है। दिखाने की कोशिश की गई कि ड्रैगन राफेल को बर्बाद कर सकता है। चीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट्स का हौसला बढ़ सके इसलिए लिखा गया है व्हेन ड्रैगन्स आर टुगेदर, मतलब जब ड्रैगन मिलते हैं। नीचे लिखा है देयर इज फायर एंड ब्लड, मतलब जब ड्रैगन मिलते हैं तो आग लगती है, धमाका होता है, खून बहता है। चीन पाकिस्तान के झंडों के अलावा दो और लड़ाकू विमान भी हैं इसमें। नाम लिखा है J-10C और JF-17। अब इसकी वजह भी बताते हैं। चीन और पाकिस्तान ने शाहीन नाम से जो ज्वाइंट एक्सरसाइज की, उसमें PLA की एयरफोर्स की तरफ से J-10 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से J-17 लड़ाकू विमानों ने शिरकत की। ये लोगो अब दोनों देशों के पायलट्स के सूट पर भी लगाया जा रहा है। लोगों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि इन दोनों विमानों से राफेल को मात दी जा सकती है। राफेल के आगे इन विमानों की हैसियत क्या है ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि राफेल तो दूर चीन भारत के MiG-29 को देखकर ही सदमे में है। लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद वहां MiG-29 की तैनाती की गई थी। चीन से सटे एयर स्पेस में दिन रात MiG-29 से कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की जाती है। MiG-29 की वजह से चीन का कोई भी विमान LAC के करीब आने की हिम्मत नहीं करता। MiG-29 को भारत ने रूस से खरीदा था और फिर अपग्रेड किया गया। MiG-29 के दो स्क्वाड्रन पंजाब के आदमपुर में तैनात है। MiG-29 ही पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा की निगरानी करता है। दो साल पहले रूसी विमानों को अपग्रेड किया गया था। राफेल की तैनाती अंबाला एयरबेस पर है, जिसका मतलब है कि LOC हो या LAC, दुश्मन जहां भी गुस्ताखी करेगा राफेल का एक्शन टाइम चंद मिनट होगा। पाकिस्तान और चीन की दहशत बढ़ने की वजह राफेल का अब और शक्तिशाली और घातक होना भी है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल की रेंज 2000 मीटर बढ़ गई है। फ्रांस ने स्कैल्प मिसाइल के सॉफ्टवेयर को मॉडर्न बनाया है। अब मिसाइल समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचे टारगेट को उड़ा सकती है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, मतलब ये कि राफेल बिना बॉर्डर क्रॉस किए किसी भी पहाड़ या ऊंची जगह पर मौजूद टारगेट को 300 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर सकता है। 26 जनवरी के बाद फ्रांस से 3 राफेल जेट्स का बैच आ रहा है और 2021 के अंत तक कुल 36 राफेल विमान हिंदुस्तान में मौजूद होंगे। राफेल मेट्योर एयर टू एयर मिसाइल से भी लैस है। मेट्योर मिसाइल नो एस्केप जोन की क्षमता रखती है, यानी मेट्योर से बच पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। मेट्योर की रेंज 120 किलोमीटर की है। इसमें माइका मल्टी मिशन मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से राफेल के लिए हैमर वेपन सिस्टम की मांग की है। ये वेपन बम और गाइडेड मिसाइल के कॉम्बिनेशन जैसा है। राफेल के जरिए हैमर के प्रहार से जबरदस्त धमाका किया जा सकता है और दुश्मन के बड़े इलाके में तबाही तय मानी जाती है। अब लोगों पर मौजूद चीन में बने J-17 के बारे में जानिए, जिसे हासिल करके पाकिस्तान राफेल से टकराने की गलतफहमी पाले बैठा है। 30 दिसंबर को 14 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट PAF में शामिल हुए। चीन की मदद से पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान तैयार किया है। JF-17 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है।
JF-17 इंफ्रारेड सिस्टम वाली PS-15 मिसाइल से लैस है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर। JF-17 विमान की अधिकतम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में 2130 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला राफेल JF-17 के मुकाबले ज्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकता है। राफेल 3700 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वहीं JF-17 विमान केवल 2037 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। राफेल इतना घातक है कि सिर्फ दो राफेल विमान ही पूरे पाकिस्तान की वायुसेना को चंद मिनट में धूल चटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।